नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ जावरमा। जनपद में शासन द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अमरोहा पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित गोवंश पशुओं का वध व तस्करी करने का अवैध कारोबार करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 8,66,000 की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वही थाना अमरोहा देहात, तहसीलदार सदर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं की तस्करी वध कर मांस विक्रय करने के अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्त असलम पुत्र साबिर निवासी ग्राम निजामपुर सेंदरी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए लगभग 8,66,000 रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। अभियुक्त द्वारा विगत वर्षों से चोरी छिपे प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं की तस्करी, गोवंशीय पशुओं का वध व मांस विक्रय कर अवैध रूप से धनार्जित संपत्ति, मकान व सामान अनुमानित कीमत 8,66,000 अर्जित की गई, जिसको जब्त किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना अमरोहा देहात पर गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियोग पंजीकृत है, जिनके विरुद्ध थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई कर नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। असलम पुत्र साबिर, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गोकसी एवं चोरी की घटनाओं को करके अवैध संपत्ति इकट्ठी की गई है। असलम की उक्त अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया जा रहा है। और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज।